मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लास, क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट हिंदी, पार्ट 15, मित्रता। तो आइए हम एक छोटी सी कहानी अपनी पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, मित्रता है। और ये कहानी पढ़ने का हमारा क्या उद्देश्य है कि मित्रता के भाव को जगाना और संकट के समय मित्र की सहायता करने की आपको सीख देना और हिंसक पशुओं से सावधानी रखने की सीख देना। तो चलिए हम अपनी ये छोटी सी कहानी पढ़ते हैं। एक चूहा था, एक हिरन था और एक कौवा था। तीनों में बड़ी मित्रता थी, यानी दोस्ती थी। तीनों एक जंगल में एक साथ रहा करते थे। वे तीनों एक साथ खाते पीते थे। सभी एक ही पेड़ के नीचे रहते थे। एक दिन तीनों मित्र बैठे बातचीत कर रहे थे। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर बैठा था, चूहा अपने बिल के बाहर तथा हिरन हरी हरी घास पर बैठा था। तभी कौवे की दृष्टि, यानी कि दृष्टि मीन्स क्या होता है, नज़र। तब कौवे की नज़र उधर आ रहे चीते पर पड़ी। कौवे ने हिरन से कहा, मित्र हिरन, एक चीता इधर ही आ रहा है। तुम जल्दी जाकर घने जंगल में जाकर क्या करो, छिप जाओ। इतना सुनते ही हिरन तेजी से घने जंगल में जा छिपा। चीता देखता ही रह गया। कौवा और चूहा दोनों बड़े प्रसन्न हुए, यानी खुश हुए। चूहा तथा कौवा हिरन की शाम तक प्रतीक्षा यानी इंतजार करते रहे, किंतु हिरन नहीं आया। दोनों को बड़ी चिंता हुई। चूहा बोला, कौवे भाई, मित्र हिरन अब तक नहीं आया, हमें उसको खोजना चाहिए। कौवे ने कहा, भैया अब अंधेरा हो चला है, ऐसे में हम अपने मित्र को कहाँ खोजेंगे। कल सवेरा होते ही मैं उसे खोजने जाऊंगा। हमारा मित्र शायद संकट में फंस गया है। कौवे और चूहे ने जैसे तैसे रात काटी। सवेरा होते ही कौवा उड़ चला। कहीं दूर चले जाने पर उसने देखा कि उसका मित्र एक जाल में फंसा है। कौवे ने अपने मित्र से कहा, मित्र हिरन, घबराना नहीं, मैं अभी आया। हिरन ने कहा, मित्र कौवे, जल्दी आना। कौवे की बात सुनकर हिरन की जान में जान आई। कौवा तेजी से उड़ता हुआ अपने मित्र चूहे के पास आया। उसने बताया, हमारा मित्र हिरन एक शिकारी के जाल में फंस गया है। तुम जल्दी से चलो और जाल काट दो, नहीं तो मित्र की जान नहीं बचेगी। नेक्स्ट पेज देखिए। चूहा तुरंत यानी एकदम जल्दी से अपने मित्र को बचाने के लिए चल पड़ा। चूहे ने अपने तेज यानी नुकीले दांतों से जाल काट दिया। हिरन बहुत घबरा गया था। चूहे के जाल काटते ही वह तेजी से अपने घर की ओर भागा। कौवा और चूहा खुश हुए, वे भी हिरन के पास आ गए। फिर देखिए नेक्स्ट आपकी क्या है, वर्ड मीनिंग है। इसे आपको कॉपी में राइट करना है और लर्न करना है, यानी लिखना है और याद करना है। तो देखिए, मित्रता मीन्स क्या होता है, दोस्ती होती है। दृष्टि मीन्स क्या होता है, नज़र होता है। और प्रसन्न मीन्स खुश होता है। प्रतीक्षा मीन्स इंतजार होता है। और चिंता मीन्स क्या होता है, फिक्र होता है। संकट मीन्स परेशानी होती है। घबराना का अर्थ क्या होता है, डरना होता है। और तुरंत यानी तभी या एकदम से। और तेज मीन्स क्या होता है, नुकीला होता है। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है आपका अगला, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। तो फर्स्ट क्या है, चूहे और हिरन के किससे मित्रता थी, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, मेंढक से थी कि कौवे से कि हंस से। तो इसका आंसर आपका सेकंड नंबर हो जाएगा, कौवे से। फिर जाल को किसने काटा, हिरन ने काटा कि कौवे ने काटा कि चूहे ने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चूहे ने काटा। फिर नेक्स्ट पेज देखिए, हमें क्या बताना है, सही कथन पे हमें सही का निशान लगाना है और जो हमारे ये कथन गलत है उसमें हमें गलत का निशान लगाना है। तो देखिए, फर्स्ट चूहा, हिरन और कोयल मित्र थे,
तो ये आपका क्या है, गलत है। फिर सेकंड नंबर देखिए, एक दिन बहुत शाम तक हिरण नहीं आया, ये आपका सही है। फिर कौवे और चूहे ने हिरण के बिना मजे से रात काटी, तो ये आपका क्या है, गलत है। फिर नेक्स्ट देखिए, हिरण शिकारी के जाल में फंस गया था, ये आपका क्या है, सही है। फिर देखिए, नीचे दिए ये शब्द दिए गए, इसकी सहायता से हमें क्या करना है, इस रिक्त स्थान को भरना है। चूहा, कौवा और हिरण तीन मित्र थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। और सेकंड, हिरण जाल में फंस गया, तो सेकंड का आंसर क्या होगा, जाल हो जाएगा। फिर थर्ड देखिए, चूहे ने दांतों से जाल काट दिया, तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, दांतों से हो जाएगा। और फोर है, मैं हिरण को खोजने जाता हूँ, तो फोर का आंसर क्या हो जाएगा, खोजने हो जाएगा। अब देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है हमें। तो देखिए, फर्स्ट क्या है, तीन मित्र कौन कौन थे, तो हमें इसमें बताना है कि तीन मित्र कौन थे, तो चूहा, हिरण तथा कौवा तीन मित्र थे। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, चीते को देखते ही हिरण क्यों भाग गया, तो इसका आंसर क्या होगा कि देखिए, थोड़ा सा आपको इसमें क्वेश्चन का लिखना है कि चीते को देखते ही हिरण इसलिए भागा कि कहीं चीता उसे खा ना जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिरण शाम को घर क्यों नहीं लौटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हिरण एक शिकारी के जाल में फंस गया था, इसलिए वह, फिर यहाँ से थोड़ा सा लिख लीजिएगा कि शाम को घर नहीं लौटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीनों मित्र प्रसन्न क्यों थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीन मित्र इसलिए प्रसन्न थे क्योंकि वे तीनों सही सलामत अपने घर लौट आए थे। फिर नेक्स्ट आपकी देखिए भाषा की बात, इसमें क्या बताया गया है कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा किसे कहते हैं, संसार में हर किसी वस्तु का एक नाम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो इसमें क्या कहा है, किसी छह नामों को हमें लिखना है, तो चलिए देखिए, ये छह नाम हम लिखे हैं, आप भी इसी तरह लिख लीजिए, मेज, पुस्तक, वृक्ष, पंखा, अलमारी और कुर्सी। इन सबको हम क्या कहते हैं, ये वस्तु का नाम है, ये सब किसके श्रेणी में आते हैं, संज्ञा की श्रेणी में आते हैं, ये सब संज्ञा कहलाते हैं। अब देखिए, आपको होमवर्क है, रचनात्मक कार्य में किन किन जानवरों में अक्सर मित्रता पाई जाती है, तो आपको क्या करना है, अपने क्लास में इसके बारे में डिस्कशन करना है, यानी चर्चा करना है। तो देखिए, आपको इस समय स्कूल तो लग नहीं रही है, तो आप इसके बारे में डिस्कशन कहाँ करेंगे, अपने घर में करेंगे, और हमें बताएंगे कि किन किन जानवरों में मित्रता पाई जाती है, और कौन कौन से जानवर आपस में क्या करते मित्रता, जैसे हमने अभी आपको कहानी बताई, आपको चूहा, हिरण और किसके, कौवे की, उसी तरह आपको इसमें भी बताना है कि किस किस जानवरों की ऐसी मित्रता होती है। तो आपका ये पाठ यही ख़त्म होता है, थैंक यू।